सो आज मैं फिर से एक बार इनको ट्रांसफ़र करने वाला हूँ हमारे एग्जिस्टिंग टब में। सकते फीमेल का टब है जो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है, लेकिन से इनको मैं मेंटेन कर सकता हूँ, वेस्ट वगैरह अच्छे से निकल पा सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, टब को पूरी तरह से फिल करेंगे। एक्चुअली रीज़न ऐसा है, अभी क्यों कर रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली आधा घंटा लगा, पर अभी इनका ये परमानेंट घर हो गया है। तो अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ, मैं वीडियो में स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, बट मेरा अभी प्लानिंग कुछ अलग है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ढेर हैप्पी रहोगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार इनको ट्रांसफ़र करने वाला हूँ हमारे एग्जिस्टिंग टब में। जो इनको मैंने पहले टब में रखा था, उसी टब में मैं इनको ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर अपने लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा तो उसमें मैंने एक रीज़न बताया कि ये रीज़न है तो इनको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो वही रीज़न है दोस्तों, ये टैंक मेंटेन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी ओवर क्राउडेड टैंक हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि अमोनिया ज़्यादा स्पाइक हो रहा है और इससे इनकी हेल्थ वो ख़राब हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डस्ट में जो वेस्ट है वो मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। फिल्टर का भी प्रॉपर है वो नहीं काम हो रहा है, और एल्गीज वगैरह आप देख सकते हो सारे टैंक में कैसे क्रिएट हो रही है। तो दिस इज़ द रीज़न आई एम ट्रांसफरिंग देम इन टू टब। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे भी टैंक खाली हो जाएगा, तो बहुत समय से मैं सोच रहा था कि श्रिम्स में लाओ, श्रिम्स में इंट्रोड्यूस करूँ हमारे सेटअप में। तो श्रिम्स को भी मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जल्दी इस टैंक के सेटअप में। थ्रू से ये टब है, इनको फिर से मैं इस टब में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हो फीमेल का टब है जो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है और एकदम सेट है इस टब में। जो भी मैंने इनको टब में रखा था मेल कपी को, तो एक तो मैंने रियलाइज़ ये चीज़ किया कि टब में ना अच्छी तरीके से इनको मैं मेंटेन कर सकता हूँ, वेस्ट वगैरह अच्छे से निकल पा सकता हूँ जो इसमें नहीं हो रहा है प्लांटेड टैंक में। देखो जब मैंने लास्ट टाइम का जो वीडियो बनाया था हाउ टू क्लीन फिश टैंक, तभी मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि फिल्टर है ना प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से क्लॉक होते जा रहा है, उसका फ्लो स्पीड है काफ़ी स्लो हो रहा है। तो यही एक रीज़न रहता है दोस्तों, जब भी ओवर क्राउडिंग होता है तभी सारे आपका जो एनवायरनमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फिल्टर भी टैंक भी है ना वो काम करना बंद कर देता है, या फिर उसी प्रकार से काम नहीं करता है जिस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। अभी टैंक में जितना भी जो वाटर है वो मैं पूरी तरह से ट्रांसफ़र करूँगा हमारे टब में, और उसके बाद पूरा हम लोग शिफ्ट करेंगे गप्पी फिश को उस टब में। तो इससे क्या रहेगा कि एज इट इज़ इनको वाटर भी मिलेगा, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर इनको जो सूटेबल वाटर चाहिए वो एज इट इज़ उनको मिलेगा। तो कोई भी प्रकार की सर्वाइव होने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम जब मैंने WTF का वीडियो बनाया था, तभी उस टाइम में मैंने बोला था कि मैं हीटर कंटिन्यूसली चालू रख रहा हूँ। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हीटर कंटिन्यूसली चालू रहता ही हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में, जिससे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट में रहे और गप्पी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलो दोस्तों प्रोसेस चालू करते हैं गप्पी फिश को ट्रांसफ़र करने का। कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो वो मैं सारा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं दोस्तों सारा टैंक से वाटर है वो टब में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टब को पूरी तरह से फिल करेंगे और एज इट इज़ टब का वाटर है उस टब में इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ समय के बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ। टैंक ऑलमोस्ट 40% है वो खाली हो गया है, और आप ये देख सकते हो पूरा टब हमारा भर गया है। तो अभी फटाफट से चलते हैं इस टब को खाली करते हैं। टब में जो पानी था टैंक से जो निकला था वो इसमें मैंने फिलअप किया है। इससे एक मुझे तो समझ में आया कि टब का जो वाटर वॉल्यूम का जो कैपेसिटी वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू टैंक। दोस्तों अभी मैं गप्पी फिश को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ उस टब में। एक्चुअली रीज़न ऐसा है, अभी क्यों कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या है कि इतना वाटर का स्पेस है मुझे मिल रहा है इनको ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर इससे मैंने कम किया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेयर बॉटम टैंक नहीं है, ऑलरेडी सेटअप वाला टैंक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, पूरी तरह से सेटअप मुझे निकालना पड़ेगा इनको पकड़ने के लिए। तो फटाफट से अभी इनको छोटे टब में ट्रांसफ़र करता हूं। तो इतने सारे गप्पीज ऑलरेडी मैं जैसे पानी निकाल रहा था उसमें आ रहे थे, तो आप देख सकते हो कितने हमारे खूबसूरत गप्पी फिश है। तो अभी फटाफट से जो इतने रिमेनिंग है उनको अभी ट्रांसफ़र करते हैं। तो उससे अभी मैं गप्पी फिश को एक एक करके निकाल रहा हूँ। एक्चुअली रीज़न ऐसा है कि डिस्टर्ब मुझे करने का नहीं है सेटअप, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग श्रीम से इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बेस्ट रहेगा कि सेटअप को डिस्टर्ब ना करें, एज इट इज़ रखें, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत ये सेटअप भी लग रहा है।
सभी दोस्तों मैं आपसे मिल रहा हूँ आधे घंटे के बाद। दोस्तों इनको निकलने के लिए मुझे एक्चुअली आधा घंटा लगा, पर आपने फास्ट फॉरवर्ड में वो क्लिप देखा, मुझे सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करने का था, इसके लिए मैंने पेशेंस रख के जो है वो गप्पी बिश को एक एक को धुन के मैंने है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो अभी दोस्तों बारी आए हैं अगेन इनको शिफ्ट करने की हमारे टब में, तो चलो अभी फटाफट से इनको शिफ्ट करते हैं सारे मेल्स को, मतलब गप्पी के मेल्स को और मौली के मेल्स को, तो एक एक करके शिफ्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों अभी इनका ये परमानेंट घर हो गया है। अभी शिफ्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट हो गया है हमारा, इसमें आप लेवल देख सकते हैं, अभी भी इसमें काफ़ी वाटर है, मैं फिलअप करने वाला हूँ, जस्ट हमने एक टब ही खाली किया था इसमें, अभी फटाफट से रिमेनिंग वाटर इसमें ऐड करते हैं। दोस्तों अभी वाटर को ऑलमोस्ट हमने खाली किया, इतना वाटर रख देते हैं तो प्लांट्स पूरी तरह से सूख जाएंगे जब तक इसमें वाटर फिर से मैं ऐड करता हूँ तब तक। अभी दोस्तों मैंने जो रिमेनिंग वाटर था टब का वो ऐड किया है और उसके साथ मैंने एज वाटर भी ऐड किया है, तो लेवल अभी प्रॉपर हो गया है। अभी हमारा जो गप्पी बिश का टैंक है, जो एग्जिस्टिंग टैंक था पुराना टैंक था, तो उसको अभी फिर से वाटर में इसमें रिफिल कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं कौन से जो इसमें फिश है वो इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। टैंक में मैंने वाटर है उसको फिलअप किया, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से एज वाटर है दोस्तों, पर इसको साइकिल करना पड़ेगा मुझे। दोस्तों अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ मैं वीडियो में स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, बट मेरा अभी प्लानिंग कुछ अलग है, जो इनको मैंने टब में फिर से शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पे जो आपको टब दिख रहा है वो दोनों भी बेयर बॉटम लग रहे हैं, पर अभी कुछ ही दिनों में इसमें भी सेटअप आने वाला है, जिसमें हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि पॉन्ड जैसा सेटअप है वो बनाने के लिए, तो इन दोनों भी टब को मैं पॉन्ड जैसा सेटअप है वो करने वाला हूँ। दोस्तों आई होप कि आपको पूरी तरह से वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। जल्दी हम लोग इसमें जैसे मैंने बोला है कि श्रीम से उसको ऐड करने वाले हैं, उसके साथ ही मैं है मेक और कर रहा हूँ हमारे कपी बिश और मौली बिश का टब। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो अगर अपने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है प्रथमेश एक्वाटिक्स इन हिंदी। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ, और हाँ ये जितना भी आप एल्गी देख रहे हो श्रीम बनने के बाद, अब देखो कि कुछ ही दिनों के अंदर श्रीम से ना पूरा जो एल्गी है वो खाएंगे और टैंक हमारा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।